हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। देखिए, आज मैं आपको लूना चमारी जी शक्ति की पूरी पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि बहुत सारे जन पूछते हैं कि माँ लूना चमारी शक्ति लेने से क्या फ़ायदा है, उसकी शक्तियाँ सिद्ध कराने से क्या फ़ायदा है, वो क्यों ली जाती है, क्या कारण है, उसकी पूरी जानकारी दूंगी और उसको लेने से क्या होता है। दूसरी बात, उसके पहले मैं बताऊंगी, देखिए पूर्णिमा परसों, उस दिन पूर्णिमा चली गई, आज कितने दिनों से अमावस्या पूर्णिमा को सैलानी बाबा में कहते ना फोटोज़ का काम चालू था, तो बीच में भी मैं गई थी तो मैंने फोटोज़ के काम करवाए थे एक दिन पहले। मैंने बोला था ना आपको कि अमावस्या के दिन करा गई थी, लेकिन अभी पूर्णिमा के दिन मैं गई थी और पूर्णिमा के दिन मतलब पूर्णिमा में यहाँ थी मैं, जो परसों बताई ना 24 तारीख को मैं मस्तान बाबा को मिलने गई थी, लेकिन मैं उनके लिए खाना बना के लेके गई थी और मेरे को यही भूल गई थी कि मैं हर हमेशा पूर्णिमा के दिन सैलानी बाबा के दरगाह पे खाने का नियाज करा दो। लेकिन देखिए, खाना किसी भी तरह से पहुंचना था तो मेरे बाबा के पास पहुंचा, जो काम सैलानी बाबा में नहीं हो पाया वो काम मेरे मस्तान बाबा ने खाके कर दिया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, इसे कहते हैं ना, मतलब कहते हैं ना भगवान हमारे आसपास है, ये बहुत बड़ी बात है लोगों को महसूस करना, ठीक है। और सही बोलो तो उस दिन भी उधर के लोगों ने कहा था कि वो लोग सुबह से खाना लेके घूम रहे थे, लेकिन बाबा जी ने उस दिन खाना किसी के हाथ का नहीं खाया था और शाम को उन्होंने खाना खाया, मतलब कहीं ना कहीं मेरे बाबा मेरा वेट कर रहे थे कि मेरी बेटी मेरे लिए खाना लेके आ रही है। ऐसी बात है, क्योंकि मैं सच बोलूँ ना, मेरा पूरा आस्था विश्वास सब उनके ऊपर है कि जीते जी मैंने उन्हें देखा है, लोग उन्हें किस रूप में देखते मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनके अंदर मेरे कहते ना ख्वाजा जी को देखा है, मेरे सैलानी बाबा को देखा है, मेरे साईं बाबा को देखा है, सारी चीज़ें उनके अंदर देखी हैं। लेकिन तो भी कुछ लोग न चाह के भी कोशिश, पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरे कहते हैं ना 100 लड़कियों की जो शादी है उसमें अर्चन डालने के लिए, इसके लिए पूरी मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके लिए आज ही काम शुरू है, आज भी उनके सबके नाम से 2 बकरों का नियाज करवाया जाएगा। और साथ में नियाज किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं करवा रहे हम, क्योंकि नियाज का खाना गरीब खाते, तो मैं किसी की अलग अलग गरीबों को नहीं खिलाऊंगी। नियाज इसलिए करवा रहे हैं कि बाबा जी को ये नियाज करवा रहे हैं कि ये नियाज हम दे रहे हैं, गरीब जब खाएंगे तो जो भी 100 बेटियों की शादी होने वाली उसमें चाहे इंसान कोई भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, कोई भी कुछ अर्चन ना डाल पाए, बस इसके लिए। बाकी लोगों का मारण क्रिया तो मैंने शुरू किया है, अब मैं देख लेना, धीरे धीरे शुरुआत भी हो चुकी है। ये बात तो पक्की है कि आप लोग अपनी गलती मानने से रहे और मैं अपना काम करने से रहे, मैं तो अपना काम करके रहूंगा। धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होनी चालू हो गई होगी, कुछ लोगों की 8 मार्च तक खबर आ जाएगी कि वो ऊपर जा चुके हैं और बाकी तो 24 मार्च को आनी ही आनी है, ठीक है ना, ऐसी बात है। दूसरी बात है कि अभी मैं आज आपको लूना चमारी की शक्ति के बता रही हूँ कि लूना चमारी कहते कामाख्या में एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी जो चमार जात की थी, लेकिन कहते हैं कि वो इतनी बड़ी जादूगरनी थी कि अच्छे अच्छे पंडित सब लोग उनसे डरते थे, क्योंकि वो एक ऐसी कहते ना उनके उस्ताद ही थे, कि उनके उस्ताद थे इस्माइल जोगी, जिन्होंने उनके इस्माइल जोगी के साथ रह के उन्होंने पूरा काम किया था। तो अब मंत्री बोलते हैं ना कि कामरुदेश कामाख्या देवी जहां बचे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी, फूल छूने लूना चुमारी। तो ये बात होती है कि ये जो एक मंत्र होता है इतना पावर होता है कि आदमी को पूरी तरह से अपने वश में करता है। तो जो भी कामाख्या में कहते हैं कि लूना चुमारी का एक प्रदेश है जहां पे कोई भी आता जाता नहीं है, वो देश को आना जाना बंद है, लेकिन वहां से जो भी गया है वो आज तक वापस नहीं आया है, ऐसी बात है। लूना चुमारी की शक्ति सिद्ध करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे अंदर एक जबरदस्त आकर्षण शक्ति आती है। एक बखसूरत औरत क्यों ना हो, एक मोटी भद्दी मतलब जिसका शरीर बेडोल हो वो क्यों ना हो, उसे भी एक सुंदर सी काया रूप मिलने में मदद मिलती है। एक ऐसी काया कि आदमी जो भी जिसने भी अगर एक बार उस इंसान के आंखों में देख लिया वो उसका ही होके रह जाता है। एक सुंदर सी काया मिलती है और जो एक बार सामने वाले इंसान से बात कर लिया, जैसे अगर आपसे एक बार सामने वाले इंसान ने आपसे बात कर ली तो ये बात पकड़ लीजिए कि उसके बाद वो किसी का नहीं, फिर वो उसी का रह जाता है, किसी का नहीं होता, ऐसा होता है लूना चमारी की शक्ति का। प्लस एक जबरदस्त हमें लूना चमारी से एक जबरदस्त आकर्षण शक्ति मिलती है, वाक्य सिद्धि मिलती है। जैसे हमें कभी कहीं जैसे बड़े बड़े हम लोग जैसे कोई भी बहुत बड़ा काम करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में करते हैं, राजपथ में करते हैं, या कोई जगह पे हमें कोई बहुत बड़ा काम निकलवाना है, किसी से बहुत बड़े पैसों का काम निकलवाना है, या कोई मंत्री पद चाहिए या कुछ भी चाहिए, ऐसे काम में अगर लूना चमारी की शक्ति हमें बहुत काम आती है, क्योंकि वो सामने वाले को मजबूर कर देती है कि वो चीज़ हम तक आए। मतलब जब हम उस शक्ति को लेते हैं और उस शक्ति को अपने अंदर प्रवेश करवाते हैं तब उस शक्ति का पावर हमारे अंदर इतना आता है कि हम
जब किसी से कोई बड़ा काम निकलवाना हो, कई बड़ी रकम निकलवानी हो, तो हमें उसके पास बोलने की कुछ जरूरत नहीं रहती। हम यहाँ से बैठे बैठे जब उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले को खुद ब खुद वो बात समझ में आ जाती है और हमारे बोलने से पहले हमारा काम हो जाता है। जैसे अगर हमें कोई बहुत बड़ी पदवी चाहिए या बहुत बड़ी नौकरी चाहिए या बहुत बड़ा कहते हैं ना कहीं वीजा पास करवाना हो या बहुत बड़ी रकम चाहिए या कोई बहुत बड़ा पद चाहिए, उसमें ये बहुत बहुत काम आता है। ऐसी बात है, ये एक ऐसा पावर है। जैसे हमें बहुत पैसों की नीड रहती है या कोई शक्तियों की, जैसे हमें बहुत सारी शक्तियां सिद्ध करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि माँ हमारी कुल देवी बांध दी गई है, हमारी ये बांध दी गई है, हमारी शक्तियां हमारा काम नहीं कर रही। उसमें भी ये लूना चमारी बहुत फायदा देती है क्योंकि लूना चमारी पहले हमें प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे जन मुझे कहते हैं माँ आप हमें सिखाओ, आप हमें सिखा रहे हो तो शक्तियां क्यों चाहिए। शक्तियां इसीलिए चाहिए होती कि जब हम कोई काम करते हैं तो कोई मंत्र हमसे गलत सलत हो जाता है तो शक्तियां हमें उस तरह से प्रोटेक्ट करती है, हमारे तक कोई चीज आने नहीं देती है। तो जैसे हम जो भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, अब सिद्धियों में कोई भी जैसे हमारी कुल देवी को बांध सकता है, हमारी शक्तियों को बांध सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसे से भी, जैसे मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, अभी कोई कितनी भी कोशिश करे मेरी शक्तियां बांधने की, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने पास में हमेशा कुछ ना कुछ एक पैकेज में रखती हूँ जिसको किसी को पता नहीं रहता। भले मेरे पास कितने लोग भी सीखने वाले क्यों ना हो, कितने लोग भी सीखते हो, लेकिन उन सीखने वालों को ये बात पता नहीं कि जो शक्तियां मैंने सिद्ध की है उनमें से कुछ शक्तियां, क्योंकि गुरु कभी भी अपना सारा दाव सिखा देगा, एक दाव हमेशा अपने पास रखेगा। तो मेरे पास एक दाव नहीं, मेरे पास कितनी ऐसी शक्तियां हैं जो शक्तियों का ना मैं नाम कभी लेती हूँ ना दाम कभी देती हूँ, ना उसका दाम लेना पसंद है ना मुझे उसको बेचना पसंद है ना मैं कर। सुल्तान जिन की शक्ति भी हम लोगों को सिद्ध करके देते हैं, सुल्तान जी की शक्ति देते, सुल्तान जिन को नहीं देते। अभी आज की तारीख में जैसे सुल्तान जिन, मुखबिर जिन, ये जो इंसान लेते हैं उनको सामने वाली की खबर पता चलती चलती, लेकिन कभी कभी ये होता है कि उस चीजों को भी बांधने की कोशिश करते थे। लूना चमारी की शक्ति ऐसी होती है, अगर उसको आपने सिद्ध करा के लिया तो इंसान अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, अपने आप को काट के भी अगर आप पे जादू करेगा तो वो जादू आप तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जब लूना चमारी की शक्ति आप हमसे सिद्ध करवा के लेते हैं तो हम एक छोटी सी चीज आपको बना के भेजते, एक जड़ी होती है, एक जड़ होती है पेड़ की, वो जड़ को एक तावीज में बनवा के भेजा जाता है। उस तावीज को जब भेजेंगे तो खुद ब खुद स्वरूप आता है। इंसान कितना भी कुरूप क्यों ना हो, बकसूरत क्यों ना हो, रंग सांवला क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, लेकिन इस शक्ति में इतनी ताकत रहती है कि आपको जैसा रंग रूप चाहिए वो चीजें आएंगी, जैसी चीजें चाहिए वाक्य सिद्धि मिलती है, लोगों को अपनी तरफ खींचने का पावर मिलता है, पैसे का पावर मिलता है। एक इंसान कितना भी गुस्से में आपके पास क्यों ना आए, कितना भी गुस्से में क्यों ना आए, आप कहीं भी जैसे कहीं जैसे आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस है, अगर आप चाहते हो कि कल के तारीख में जज कोर्ट तक नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो, जब हम लोग जैसे अभी हम लोग मारण क्रिया का काम सिखाते लूना चमारी के साथ, लूना चमारी की सिद्धि लेके आप किसी भी जिन्नात की या परी की शक्ति लेके सामने वाले को ऑर्डर दोगे आपको 72 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मारण क्रिया का काम कराया, लेकिन कैसे होता मालूम है, मुझे कल किसी ने पूछा प्रूफ, मैंने बता देती हूँ, बताने के लिए बड़ी बात नहीं और मैं डरती भी नहीं हूँ। लेकिन जितने लोगों का, जो लोगों को काम हुआ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों ने पैसे देने में वो किए, और कितने लोगों ने कम पैसे दे के भी बोलेंगे शक्तियां सिद्ध करते, उनको टाइम नहीं। क्योंकि देखिए, हम आपके लिए जब शक्तियां सिद्ध करते हैं ना, शक्तियां अपनी मर्जी से आके मंत्र देती, हम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम उनकी सिद्धि करते हैं। जब वो खुश होती तब वो सामने वाले की फोटो तस्वीर दिखा के बोलेगी कि इस इंसान को ये मंत्र देना। हर इंसान का अलग मंत्र होता है, जो मंत्र मेरे पास है वो मंत्र आपको काम नहीं करेगा, आपके लिए मंत्र अलग दिया जाएगा, वो मंत्र जब मैं आपको दूंगी तो मैं मंत्र भूल जाऊंगी, ये बातें होती हैं। शक्तियां भले एक है, सुल्तान जिन भले एक है, लेकिन वो हर किसी को अपना मंत्र अलग देगा। लूना चमारी भले एक है, वो हर किसी को अपना मंत्र देगा। लूना चमारी शक्ति लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको राजपथ में पदवी मिलती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है, अपार धन की वृद्धि होती है, जो चाहो वो पा सकते हो, दुश्मन अपने अधीन होते, दुश्मन कितना भी षड्यंत्र करे आपको पता चल जाएगा। रात को लूना चमारी की शक्ति लेने का सबसे बड़ा फायदा, जब आप सोएंगे तब आपको सामने वाले की पूरी शक्ल दिखाई देगी, लूना चमारी आपको पूरी शक्ल दिखाएगी कि ये इंसान, अगर समझो आपके घर में कोई सामान भी चोरी हो रहा है तो भी वो इंसान की शक्ल दिखाएगी कि ये इंसान आपके घर में चोरी कर रहा है, ये इंसान आपके घर में बात कर रहा है, ये इंसान आपके लिए षड्यंत्र रच और ये चीज होने वाली है, आगे उसको बचा लो। मतलब जो होनी होने वाली वो हमें पहले पता चलेगी, जिसको होने से हम बचा सकते, जिसको होने से हम रोक सकते। ये सारा पावर लूना चमारी में, अभी कहते हैं ना जितनी तारीफ करो उतनी कम है, मतलब 100 सिद्धि का पैकेज है। बहुत सारे लोगों को सिद्धि प्राप्त करने सीखना है कुछ नहीं, लूना चमारी की शक्ति लो ना, हर तरह का पावर आपको मिलेगा, ये बात पक्की है। ठीक है, जय माता दी।